एग्जाम फोर कलम से क्रांति, सभी साथियों को, सभी दोस्तों को, सभी भाइयों को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी से आप सभी साथी दोस्त जो है वो जुड़ जाइए, आ जाइए। आप लोगों का सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आप लोगों का सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी से एक बार सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई जो है वो जुड़ जाइए सेशन में, ठीक है। फिर हम लोग बातचीत करते हैं अपने टर्बाइन के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। टर्बाइन के कॉन्सेप्ट्स पर बात करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम डीआरडीओ के लिए एज वेल एज आपके एसएससी जेई के लिए, ठीक है, या फिर आप कोई भी और कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो एक बार सेशन को सभी साथी जो है वो एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग, ठीक है। एक बार सेशन को सभी साथी जो है वो एक बार शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, एक बार सेशन को सभी साथी जो है वो एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बार सेशन को सभी साथी जो है वो शेयर करिए, फिर हम लोग बात करते हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 और आपके एसएससी जेई की जो वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपके पास हाइड्रोलिक मशीन आपके पास एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हाइड्रोलिक मशीन, ये थोड़ा सा पीपीटी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, टर्बाइन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है बेटा, टर्बाइन आपके पास क्या है, ये है, ठीक है। तो टर्बाइन के अंदर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग सभी लोग आ जाइए, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो टर्बाइन के बारे में आपके पास यहाँ पर क्या है भाई, अपना चलेगा जिस तरीके से हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, कि कुछ थ्योरी और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। कुछ थ्योरी के बाद क्वेश्चंस पर हम लोग मूव करेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग जो है वो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज भाई, ठीक है। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग। चलिए, तो देखिए यहां पर अगर हम लोग बेटा बात करते हैं, आपके पास हाइड्रोलिक टर्बाइन, हाइड्रोलिक टर्बाइन आपके पास बेटा क्या होता है, हाइड्रोलिक टर्बाइन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या है, हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या है, व्हाट, ठीक है। सबसे पहले चीज आती है व्हाट, व्हाट, फिर उसके बाद इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है, व्हाई, व्हाई इसकी जरूरत क्यों है, ठीक है। देखो सिंपल सा फंडे है, सिंपल से क्या है, सिंपल सी चीजें हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को, सभी लोगों को बता दूं कि कल आप लोगों की डीआरडीओ की क्लास है सुबह 10 बजे से, ठीक है। सुबह 10 बजे से आपके पास क्या है सर, एक मैराथन है आपकी यूट्यूब पर। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, उस सेशन के अंदर शामिल होना है। सभी लोग जो है उस सेशन को आएंगे और सभी लोग सेशन को शेयर भी करेंगे। देखो हाइड्रोलिक टर्बाइन आपके पास क्या होता है, एक बेसिकली प्राइम मूवर होता है, एक बेसिकली क्या होता है बेटा, प्राइम मूवर आपका होता है, प्राइम मूवर आपका होता है, जो कि आप हाइड्रोलिक से मतलब आपके पास क्या है बेटा, हाइड्रोलिक मतलब क्या, हाइड्रोलिक मतलब वाटर पावर, ठीक है। हाइड्रोलिक मतलब फ्लूइड, वाटर पावर, किसी भी नाम से आप बोल सकते हो। तो आपके पास ये जो फ्लूइड की पावर है, आपकी वाटर की पावर हो गई, ठीक है, आप जो किसी भी तरीके का कोई फ्लूइड ले लो, ठीक है, उसकी पावर को अगर आप मैकेनिकल एनर्जी में बदलते हो, दैट मींस उसके लिए एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, वो क्या होता है, वो आपके पास टर्बाइन होता है, कि जो आपकी फ्लूइड एनर्जी को, हाइड्रोलिक एनर्जी को, हाइड्रो एनर्जी को, वाटर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगा, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग टर्बाइन। अब इस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग आगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, क्या है, दैट मींस आपके पास ये आपके पास एक डिवाइस है, प्राइम मूवर है, जो कि आपका फ्लूइड एनर्जी से, हाइड्रोलिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चीजों को बदलता है, ठीक है। क्यों क्यों जरूरत है, देखो आपके पास अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, आप लोगों को पता हो कि स्टीम पावर प्लांट्स जो आपके पास होते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो होती है बेटा कितनी होती है, कम होती है। उनकी एफिशिएंसी की अगर बेटा हम लोग बात करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ठीक है। किसी की एफिशिएंसी आपके पास क्या होती है, 50% से ऊपर क्या है, बहुत रेयरेस्ट केस में होती है, अगर आपके पास क्या है सर, स्टीम पावर प्लांट है, स्टीम पावर प्लांट है, तो आपके पास ये एफिशिएंसी जो है वो आपके पास इतनी नहीं पहुंचती है। जनरली एफिशिएंसी आपके पास 35%, ठीक है, 35% जिसकी एफिशिएंसी होती है वो क्या बोलते हैं सर, अच्छी एफिशिएंसी आपके पास क्या है, ठीक है। अगर बात करें तो लोएस्ट 15% 20% की आपके पास क्या होती है, 15 से लेकर 35 के बीच में क्या होती है, एक रेंज माउंट होती है, ठीक है, जो आपके स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं उनकी। तो यहां पर हाइड्रोलिक या पावर प्लांट्स की बात आती है, दैट मींस वाटर की एनर्जी का यूज करोगे, तो यहां पर जो एफिशिएंसी है सर, यहां पर मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है बेटा, तो यहां पर एफिशिएंसी जो बहुत अच्छी बोली जाएगी वो 90-95% की एफिशिएंसी जो है वो अच्छी बोली जाएगी। अगर आप यहां पर 70% एफिशिएंट भी हो, आप इसके अंदर हाइड्रोलिक टर्बाइन के अंदर हाइड्रोलिक जो भी आपके
पास हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स होते हैं, हाइड्रोलिक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, तो उसमें आपके पास अगर 70% आप एफिशिएंट हैं तो आपसे बोला जाएगा कि आपका पावर प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है एफिशिएंसी जो है वो हायर साइड पर होती है एज कंपेयर टू दिस जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर एफिशिएंसी जो है वो लोअर साइड में आपके पास होती है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास क्या है बेटा, कुछ डायग्राम है, यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा, कुछ डायग्राम है। इस डायग्राम को हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, एक आपके पास हेड रेस दे रखा है, एक आपके पास टेल रेस है, नोजल दिख रहा होगा, नेट हेड दिख रहा होगा, पेनस्टॉक, बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी। ठीक है, ये जनरली आपके पास हर एक टर्बाइन के अंदर यही सारी चीजें होती है, सभी टर्बाइन्स के अंदर ऑलमोस्ट सेम सिमिलर टाइप का होता है, बट हाँ फ्लो का फर्क हो जाता है, बाकी कंपोनेंट्स जो है वो जनरली आपके पास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्या सर रहते हैं आपके पास, हेड रेस में आपके पास क्या होता है सर, आपके पास क्या है, रिजर्वायर है। क्या है सर, रिजर्वायर आपके पास क्या है बेटा। ठीक है, रिजर्वायर है, दैट मींस आपके पास किसी हेड तक भरा हुआ है, सपोज एक्स वाई जेड हेड तक आपके पास क्या है, पानी जो है वो फिल्ड है। आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पानी का डिस्चार्ज करना है, वर्नौली क्वेश्चन आप सभी ने पढ़ी है, दैट मींस अगर फ्लो होता है, अगर फ्लो आपका आइडियल फ्लो होगा तो बेसिकली उसमें बेटा क्या होता है, हेड लॉसेस होते हैं। अभी आपके पास फ्लो होगा, फ्लो किसके थ्रू होता है, पाइप के थ्रू, पेनस्टॉक के थ्रू, ये क्या है एक तरीके का पाइप है, पाइप के थ्रू अगर फ्लो होगा दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास यहां पर हेड लॉस आ जाएगा, हेड लॉस आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, आ जाएगा एचएफ आपके पास क्या है, क्रिएट हो जाएगा एचएफ बेटा, आपके पास क्रिएट हो जाएगा। अगर आपके पास एचएफ क्रिएट होगा दैट मींस आपके पास क्या है, आपके पास यहां पर कुछ हेड बचेगा, दैट मींस आपके पास क्या, नेट हेड, आपके पास इतना ही हेड जो है वो डिलीवर होगा, इतना हेड जो है एचएफ जो है वो आपका पाइप खा जाएगा ड्यू टू मेजर लॉस या माइनर लॉस। माइनर लॉस में आपके पास कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपके पास क्या हो सकता है, इनलार्जमेंट हो सकता है, बेंड हो सकता है, आपके पास एग्जिट पर लॉस हो सकता है, एंट्री पर लॉस हो सकता है, बहुत तरीके के। मेजर की बात करें दैट मींस उसमें फ्रिक्शन आपके पास रहेगा, फ्रिक्शन आपके पास क्या रहेगा, रहेगा। ठीक है, तो आपके पास बेटा यहां पर आपके पास जो नेट हेड है, आपके पास क्या है बेटा, नेट हेड है। ठीक है, नेट हेड आपके पास क्या है सर, एच है, तो ये आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, ये आपके पास ग्रॉस हेड एच जी माइनस एच एफ के क्या हो जाएगा सर, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखना, जहां पर आप एच देखोगे बेसिकली उसका मतलब क्या सर, नेट हेड से बात आपके पास क्या होगी सर, होगी। ठीक, अभी ये क्या है सर, रिजर्वायर है, रिजर्वायर जहां पर पानी क्या है कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, वहां से पानी जो है कितना भी निकाल लो खत्म नहीं होने वाला है, बेसिकली पानी आपके पास रहेगा, पाइप के थ्रू आपके पास क्या है सर, पानी जो है वो डिस्चार्ज कराओगे, कहां पर सर, यहां पर आप रोटर के, एक रोटर लगा हुआ है उस पर आप डिस्चार्ज कराओगे, रोटर पर आप स्ट्राइक करवाओगे सर, कैसे स्ट्राइक होगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, पेनस्टॉक से पानी आएगा, यहां पर नोजल लगी रहेगी, नोजल से आपके पास क्या होगा सर, यहां से स्ट्राइक आपके पास क्या होगा सर, वाटर होगा, स्ट्राइक आपके पास क्या होगा बेटा, वाटर यहां से आपके पास क्या सर होगा, ये क्या करेगा सर, ये रोटर को रोटेट कराएगा, रोटर रोटेट होगा दैट मींस इसी को क्या बोल देते हैं सर, रनर भी बोलते हैं, टर्बाइन भी बोलते हैं। ठीक है, टर्बाइन भी बोलते हैं, रनर भी बोलते हैं, रोटर भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या है, ये अगर ये जैसे ही घूमेगा आपका रनर, ये किस पर माउंटेड है, ये शाफ्ट पर माउंटेड है, जैसे आपका रनर है मेरा हाथ और ये क्या है, शाफ्ट है, अगर ये रोटेट करेगा तो आपका क्या करने लगेगा, ये भी रोटेट करने लगेगी, शाफ्ट रोटेट करने लगेगी, शाफ्ट रोटेट करेगी, आपका काम हो गया, टर्बाइन का काम खत्म, मैकेनिकल एनर्जी आपको क्या हो जाएगी बेटा, मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कुछ अभी एफिशिएंसीज की बात आएगी, क्योंकि बेसिकली आप शाफ्ट घुमा रहे हो, दैट मींस मैकेनिकल एफिशिएंसी, पानी का यूज करो, दैट मींस हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, वॉल्यूम एफिशिएंसी, आपके पास बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन उससे पहले आपके पास नोजल क्या होता है, जहां से आपके पास जेट जो है आपकी निकलती है बाहर की तरफ। ठीक है, जेट जो है वो निकलती है, ये आपके पास क्या है सर, वेन्स है। ठीक, तो यहां पर आपके पास कुछ फॉर्मुलेज आपको दिख रहे होंगे, एक एक चीज को क्या करते हैं हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों ने बेटा वहां पर क्या पढ़ा है, आप लोगों को पावर पढ़ी है, पी इक्वल्स टू रो क्यू जी एच, मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, ये आपके पास किसमें, ये आपके पास बेटा किसमें होती है, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास वाटर पावर होती है। ठीक, अगर हम इसको क्या करते हैं सर, 1000 से डिवाइड कर देते हैं, दैट मींस आपके पास क्या है सर, ये किलोवाट में रहेगी। बोलोगे सर बिल्कुल किलोवाट में रहेगी, बिल्कुल क्या है सर, किलोवाट में रहेगी, क्योंकि हमारे पास यही किलोवाट में होती है, हमने क्या रखा है सर, 10^3 यहां पर रखा है, अभी इन्होंने 10^3 को कहां कर दिया सर, यहां पर कर दिया। ठीक, रनर पावर क्या होता है सर, वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन आपके पास पर सेकंड। देखो ये जो फॉर्मुलेज हैं आपके पास वेलोसिटी ट्रायंगल्स आएंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल अगर आपको समझना है तो बेटा आपको कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, यहां पर हम लोग क्रैश कोर्स की
कर रहे हैं, तो उस तरीके से हम लोग अभी हम लोग यहाँ पर नहीं चलेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग क्या रखना, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास रनर की पावर कितनी हो जाएगी, कि वर्क डन एक सेकंड के अंदर कितना हो रहा है, दैट इज आपके पास रनर पावर, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होता है, ये आपके पास कितना आपके पास एक्चुअली इस वेन्स पर टकरा रहा है, इन वेन्स पर टकरा रहा है, कितना आप यहाँ से नोजल से जो है वो डिस्प्लेस करा रहे हो, डिस्चार्ज जो है वो आपका हो रहा है। इन दोनों का रेशियो एक्चुअल टू द ओरिजिनल का रेशियो आपके पास क्या होता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपके पास क्या होता है, होता है नीटा भी आपके पास ये होता है, ठीक है। चलिए, तो आपके पास बेटा शाफ्ट पावर, पावर की अगर बात करते हैं तो पावर आपको पता है 2πNT/60 शाफ्ट पावर, दैट मींस आपके पास क्या होता है सर, ये आपके पास ये होता है क्या सर, ये रोटेट करेगा, रोटेशनल में आपके पास क्या होता है सर, आपके पास ये वाला फॉर्मुला होता है, अगर आप यहां कर दोगे दैट मींस आपके पास क्या किलोवाट, अगर इसको इधर भेज दोगे तब भी किलोवाट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी देखो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या लिखा है, रनर पावर टू द वाटर पावर। देखो यहां पर तुमको समझाता हूं, पानी यहां पर आया, पानी से क्या हो रहा है, पानी में क्या है, कुछ एनर्जी है, एफिशिएंसी तुमको पता है क्या होती है सर, आउटपुट बाय इनपुट आपके पास एफिशिएंसी जो है बेटा होती है, ये तो परम सत्य है, ये नहीं बदलने वाला, आउटपुट बाय इनपुट ही रहेगा, आप कुछ भी कर लो, कहीं से कुछ भी पढ़ लो, लेकिन आउटपुट बाय इनपुट चेंज नहीं होगा। भाई एक बार सेशन को सभी साथी जो है वो एक बार सेशन को शेयर कर दो, ठीक है, एक बार सेशन को शेयर कर दो। कल तुम्हारी डीआरडीओ की मैराथन है, ठीक है, डीआरडीओ की क्या है, मैराथन है। बहुत लोग जो है डीआरडीओ के लिए पूछ रहे थे कि सर क्या होगा डीआरडीओ में, डीआरडीओ की तैयारी नहीं कराएंगे क्या, तो आप सभी लोगों के लिए 3 तारीख दैट इज आपके पास 3 अक्टूबर को, दैट इज मंडे, ठीक है, मंडे को आपके लिए क्या है, एक इवेंट आ रहा है 3 बजे, ठीक है, शाम को 3 बजे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, सारी बातों पर, सारी मुद्दों पर बात हम लोगों की होगी 3 अक्टूबर मंडे दोपहर में 3 बजे, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि एग्जामपुर पर अभी आपके पास क्या है, अभी एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, बहुत अच्छा जो है वो ऑफर चल रहा है। ये ऑफर क्या है, ये फाउंडेशन डे का ऑफर है, फाउंडेशन डे का क्या है, ऑफर है। तो फाउंडेशन डे अगर आपकी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई आपकी डिस्टरबेंस में ना हो, ठीक है, किसी रीजंस की वजह से आप नहीं पढ़ पाए पहले, अभी आप पढ़ना चाहते हो तो किस तरीके से आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, ठीक है, तो उस सारी चीजों का ध्यान रखते हुए एग्जामपुर का जो 4th एनिवर्सरी है, 4th फाउंडेशन डे है, दैट इज आपके पास कब, 2 अक्टूबर को, तो उसके उपलक्ष्य में आप लोगों को एक ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर क्या दिया जा रहा है, आपको गिफ्ट 75 कोड लगाकर आपको एग्जामपुर पर चल रहे ऑन गोइंग कोर्स यूपीआर TG2 SSC JEE इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, आपको 75% का ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आप जैसे ही इस डिस्काउंट को अवेल करते हो आपके पास बैचेस के प्राइस कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है, आपके पास जो SSC JEE मैकेनिकल का बैच है वो मात्र 499 रुपए में कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल आपको मिल रहा है। इसके अंदर टेक भी इंक्लूडेड है और नॉन टेक भी इंक्लूडेड है, तो आप लोग बिल्कुल परचेज कर सकते हैं जो भी साथी तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। कोड क्या यूज करना है, गिफ्ट 75 आपको यूज करना है, गिफ्ट के तौर पर है, दैट मींस गिफ्ट और 75। ये लेकिन ये जो ऑफर है ये आपका 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक के लिए ही मान्य है, फाउंडेशन डे रात 12 बजे तक के लिए क्या है ये मान्य है, ठीक है। बाकी आपके पास क्या है, ये जो है आपका बैच जो है वो वैलिड नहीं होगा, कोड जो है बेसिकली आपके पास क्या है वैलिड नहीं होगा 2 अक्टूबर के बाद, 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक आप परचेस कर सकते हो, दैट इज संडे रात में 12 बजे तक आप परचेस कर सकते हो मात्र 499 रुपए में SSC JEE मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, जिस भी ब्रांच का आप परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल जुड़ सकते हैं। क्लासेस कहां पर चलेंगी, क्लासेस बेटा चलते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, तो एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करेंगे आप प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप क्या कर लेंगे ओपन करेंगे दैट मींस आपको रजिस्टर करने का ऑप्शन दिखेगा, लॉगिन करने का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, रजिस्टर करना है अगर आपको अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो आप क्या करिएगा डेटा फिल करिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, आप क्या हो जाएंगे दोस्त, रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास क्या था, यहां पर पानी से हमारे पास क्या हो रहा था, रनर घूम रहा था, दैट मींस रनर का घूमना, ठीक है, हमारे पास क्या है रनर पावर, ठीक है, और किसकी वजह से घूम रहा था, मतलब पानी की वजह से, हाइड्रो की वजह से, दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट हमारा क्या है बेटा रनर घूम रहा है, रनर पावर हमारे पास क्या है बेटा आउटपुट है, इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट हमारा क्या है बेटा वाटर है, दैट मींस वाटर पावर हमारे
पास क्या है बेटा, यहाँ पर इनपुट है। तो आपके पास इफिशियंसी ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी जो है बेटा आपके पास ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिक इफिशियंसी आपके पास क्या हो जाएगी, रनर पावर टू द वाटर पावर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी की, मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करते हैं, ठीक है, देखो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है तो मैकेनिकल इफिशियंसी भी आएगी सर। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बता दी कि कितना एक्चुअल वॉल्यूम टकरा रहा है, कितना आपका नोजल जो है वो डिस्चार्ज कर रही है। मैकेनिकल इफिशियंसी की बात करते हैं तो देखो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो रही है सर, आपके पास ये चेंज नहीं होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा आउटपुट बाय इनपुट, ये तो परम सत्य है, ये परम सत्य है। अभी क्या हो रहा है, अभी रनर घूम गया, रनर माउंटेड है शाफ्ट पर, तो रनर घूम रहा है, रनर एक अपनी एनर्जी जो है वो किस पर ट्रांसफर कर रहा है, शाफ्ट पर ट्रांसफर कर रहा है, और शाफ्ट क्या हो रही है, शाफ्ट भी रोटेट कर रही है, रनर के घूमने से शाफ्ट रोटेट कर रही है, दैट मीन्स शाफ्ट आपका आउटपुट है जहां पर आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो क्या सर, आउटपुट बाई इनपुट अगर आपका होता है तो आउटपुट पर बेटा क्या मिल रहा है तुमको, शाफ्ट पावर, तुम क्या लिख सकते हो, शाफ्ट पावर, ठीक है। इनपुट पर बेटा क्या मिलता है तुमको, इनपुट कौन कर रहा है, इनपुट का काम सिर्फ रनर का रह गया है, रोटर का रह गया है, टरबाइन का रह गया है, तो आपके पास क्या होता है सर, यहां पर आप लिख सकते हो क्या सर, रनर पावर। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, रनर पावर जो है आप लिख सकते हो। तो आपके पास मैकेनिकल इफिशियंसी जो होती है, इट इज द रेशियो ऑफ शाफ्ट पावर टू द रनर पावर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आप लोगों को बिल्कुल ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपके पास ये दे रखा है। देखो आपके पास अभी ओवरऑल इफिशियंसी की बात करते हैं, कंप्लीट इफिशियंसी की बात करते हैं कि टरबाइन जो है टोटल आपका क्या काम कर रही है, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं यहां से हटाते हैं। देखो यहां से आपको एक बहुत जरूरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी कि क्या है भाई, यहां पर देखो अगर हम यहां से बात करते हैं कि आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम लोग ओवरऑल इफिशियंसी की बात करें, ओवरऑल इफिशियंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल इफिशियंसी सर क्या है, व्हाट इज द ओवरऑल इफिशियंसी ऑफ दिस। देखो बेटा ओवरऑल इफिशियंसी के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी दोस्त कि ओवरऑल इफिशियंसी क्या है, ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी आपके पास क्या है, देखो यहां से अगर हम बात करते कि आप पानी दे रहे हो, मतलब हाइड्रो पावर प्लांट से पानी ही दोगे, तो आपके पास क्या है, हम लोग पानी या फिर वाटर को लेकर चलते हैं, ठीक है। वाटर को क्या करते हैं, लेकर चलते हैं। वाटर जो है, वाटर का यूज आप किसके लिए कर रहे हो, आप इस शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए कर रहे हो, अल्टीमेटली तो पानी के थ्रू ही आपकी शाफ्ट रोटेट हो रही है, यहां पर मैकेनिकल एनर्जी मिल जा रही है ना तुमको। तो भाई यहां पर आउटपुट बाय इनपुट अगर लगाओगे तो सर यह वाला कॉन्सेप्ट आपके पास कहां पर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, शाफ्ट पावर टू द रनर पावर, टू द आपके पास सॉरी वाटर पावर, क्योंकि पानी का यूज कर रहे हो, पानी का यूज क्या कर रहे हो, कर रहे हो ओवरऑल, या वो क्या मतलब क्या है, ओवरऑल पूरे टरबाइन के लिए बात करते हैं, पूरे टरबाइन के लिए बात करते हैं। तो पानी दिया, पानी से शाफ्ट रोटेट हुई, दैट मींस आपके पास क्या है, दैट मींस आपके पास क्या हो गया सर, शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। तो यहां पर अगर देखोगे तो ओवरऑल इफिशियंसी आप क्या होती है सर, शाफ्ट पावर टू द वाटर पावर। अगर इसको इस तरीके से लिखोगे सर, रनर पावर टू द रनर पावर, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, आप इसको इसके साथ लिख लो, ठीक है, और इसको इसके साथ लिख लो, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा सर, एक बन जाएगा आपके पास मैकेनिकल इफिशियंसी, और एक आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, ठीक है, हाइड्रोलिक इफिशियंसी, ठीक। चलते हैं आगे, यहां पर बेटा वही चीज लिखी हुई है, वही चीज आप देख सकते हैं। यहां पर एक आपके पास स्पीड रेशियो होता है, स्पीड रेशियो क्या होता है, ब्लेड वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी, फ्लो रेशियो फ्लो वेलोसिटी टू द आपके पास जेट वेलोसिटी, ठीक है। चलिए अभी क्या है, अभी आते हैं क्लासिफिकेशन पर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसको छाप लेना, क्लासिफिकेशन देखो, टरबाइन का क्लासिफिकेशन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, या मैं सिर्फ बोले जा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तुमको कुछ भी, यार एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, क्या कर रहे हो यार, क्लास बंद कर दूं मैं, क्या बताओ, पढ़ने का मन नहीं है तो फिर मत बताया करो यार, देखो क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है इन सारी चीजों में, ठीक है, एनर्जी क्या लगती है, बहुत लगती है, या तो फिर मैं उठा के क्वेश्चन कराऊं, क्वेश्चन करा के मैं बात खत्म करूं। अगर नहीं पढ़ने का मन है तो फिर बता दिया करो, क्योंकि इस तरीके से भाई मत करा करो एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम तुम लोगों से कुछ नहीं मांगते, तुम लोगों को खाली शेयरिंग करनी है, तुम लोग शेयर भी नहीं करते हो कोई, चलो यहां पर क्या, यहां पर देखो बेटा क्या है, यहां पर आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्लाइड
के बारे में बात कर, देखो आपके पास क्या होता है पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कापलन टर्बाइन, ये तीन ही आपको जल्दी लेके आप पढ़नी है आपके एसएससी के सिलेबस में, डीआरडीओ के सिलेबस में पढ़नी है। ठीक, प्रोपेलर भी देख सकते हो, प्रोपेलर और कापलन में बहुत फर्क नहीं होता है आपके पास। कापलन में एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं लेकिन प्रोपेलर में नॉन एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं, मतलब फिक्स ब्लेड आपके पास क्या होते हैं बेटा, होते हैं। ठीक है, तो आपके पास बस यही डिफरेंस आपके पास होता है। इंपल्स टर्बाइन क्या होते हैं, इंपल्स टर्बाइन जिनमें आपके पास इनलेट पर ओनली काइनेटिक एनर्जी रहती है, रिएक्शन टर्बाइन आपके पास जिन पर काइनेटिक और प्रेशर दोनों एनर्जीज रहती है। ठीक है, आपके पास ये कुछ स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड आपके पास बनी हुई है, आप इसका क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट जो है बेटा क्या कर सकते हो, बिल्कुल आप ले सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेने से फायदा क्या होगा बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेने से गारंटी से फायदा ये होगा कि तुम्हारे 80% पेपर में आने वाले क्वेश्चन इसी टेबल से आएंगे, इसी स्लाइड से तुम्हारे 80% क्वेश्चन तुमको मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुमको दिखाऊंगा अभी कि 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। देखो क्या है आपके पास, पेल्टन मिल दो टाइप की होती है, सिंगल जेट और मल्टी जेट। ठीक है, इंपल्स टर्बाइन है आपके पास हाई हेड के लिए यूज होती है। हाई हेड के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं 250 मीटर से आपके पास क्या है सर, ऊपर के लिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। 250 मीटर से 2000 मीटर तक हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कई जगह पर 300 दिया रहता है, तो फिर आपको उसको भी कंसिडर करके चलना है कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि लोअर लिमिट ध्यान रखनी है कि 250 मीटर से ऊपर पर हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल जेट है दैट मींस उसमें स्पेसिफिक स्पीड क्या रहेगी, 10 से 35। ठीक है, मल्टी जेट रहेगा दैट मींस उसमें क्या रहेगी सर, 30 से 35 से 60 जो है स्पेसिफिक स्पीड रहेगी। और इसी के थ्रू आप टर्बाइन जो है वो परचेज करते हो, टर्बाइन जो है वो मैन्युफैक्चर करते हो, किसके किसकी हेल्प से सर, आप जो है स्पेसिफिक स्पीड की हेल्प से कि आपको स्पीड कितनी चाहिए, स्पीड जो है वो कितनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 10 से 35 अगर आपकी स्पेसिफिक स्पीड है तब आपको सिंगल जेट पेल्टन टर्बाइन मिल जाएगी, 35 से 60 है दैट मींस आपके पास मल्टी जेट। तो यहां पर आपके पास क्या फ्लो कैसा होता है, टेंजेंशियल फ्लो होता है, डिस्चार्ज कैसा होता है, लो होता है, स्पीड रेशियो आपके पास 0.43 से लेकर 0.48 तक होता है, रनअवे स्पीड कितनी होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल इफिशियंसी आपके पास कितनी होती है, रनअवे स्पीड आपके पास कितनी होती है, 1.8 से लेकर 1.9 तक होती है। ठीक है, 1.8 जनरली 1.3 से लेकर 1.8 तक ही होती है, 1.9 तो बहुत रेयर केस में पहुंचती है, लेकिन रेयर केस को हम लोग कभी कभार काउंट कर लेते हैं लेकिन जनरली काउंट नहीं करते। जनरली अगर बात करेंगे तो 1.8 तक ही सीमित होती है, जनरली 1.8 तक ही क्या होती है, सीमित होती है। इफिशियंसी कितनी होती है, इफिशियंसी लगभग 90% के आसपास, 90% के आसपास जो है उसकी इफिशियंसी होती है, 90% से कुछ भी हो सकती है, 88% 87% जो है वो एफिशिएंसी जो है वो हो सकती है। फ्रांसिस टर्बाइन की बात करेंगे, फ्रांसिस टर्बाइन की बेटा बात करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या सर, रिएक्शन टर्बाइन है, मीडियम हेड के लिए यूज करते हैं, 60 से लेकर 300 हेड होते हैं। स्पीड स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है सर, ये भी आपके पास 60 से लेकर 300 तक होती है, 60 से लेकर 300 तक होती है। मिक्स्ड फ्लो होता है, रेडियल और एक्सियल दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब मिक्स फ्लो की अगर बात करेंगे यहाँ पर रेडियल फ्लो भी होता है, दो तरीके की टर्बाइन होती है। अगर मॉडर्न फ्रांसिस होगी तो मिक्स फ्लो होगा, अगर आपकी ओल्ड टाइप की फ्रांसिस होगी, कन्वेंशनल फ्रांसिस होगी, तो उसमें आपके पास क्या होता है सर, इनवर्ड रेडियल फ्लो, पानी बाहर से आता है और आपके पास सेंटर से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है, फ्रांसिस टर्बाइन। ठीक है, आपके पास डिस्चार्ज कैसा होगा सर, डिस्चार्ज आपके पास मीडियम होगा। स्पीड रेशियो कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, स्पीड रेशियो कितना होता है सर, पॉइंट आपके पास क्या है सर, 0.6 से लेकर 0.9 आपके पास जो है रनअवे स्पीड। रनअवे स्पीड मतलब क्या सर, आपके पास नो लोड कंडीशन में आपके पास स्पीड कितनी होती है सर, 2 से लेकर 2.2 न्यूटन तक आपके पास क्या होती है, होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, पेल्टन टर्बाइन से आपके पास इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है, कापलन और प्रोपेलर में बात करेंगे, बहुत फर्क नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क होता है, इस पर कम स्पेसिफिक स्पीड के लिए हम लोग प्रोपेलर को यूज करते हैं, प्रोपेलर की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 300 से लेकर 600 तक होती है, और आपके पास कापलन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है 600 से लेकर 1000 तक होती है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है 300 से 1000, दैट मींस आपको 300 से 1000 पर टिक कर देना है, प्रोपेलर हो चाहे कापलन हो, दोनों चीजें दे रखी हैं। अगर ये क्या है, ये एक्चुअल, क्योंकि दोनों चीजें दी जाती हैं, किसी बुक में ये दे रखा था, किसी बुक में ये दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों से घबराना नहीं है कि सर ये तो ये लिखा, ये तो आपने ये बता दिया, दोनों चीजें सही है। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली डेटा की बात करेगा तो 60 से अगर तुम कहीं पर लिख रहे हो, खुद से लिख रहे हो, तो वो एग्जामिनर तुमसे एक्सपेक्ट करना चाहता है तुम कापलन की 600 से लेकर 1000 बताओ। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड, आप जो है लो हेड पंप है आपके पास क्या करते हैं सर, हम लोग जो है 60 मीटर से छोटे के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक्सियल फ्लो पंप होता है, एक्सिस में हमारे पास फ्लो होता है, एक्सिस में फ्लो होगा तो आपके पास क्या हो सकता है, डिस्चार्ज आपके पास हाई हो जाएगा। आपके पास यहां पर जो स्पीड रेशियो होता है वो 2 के आसपास होता है, 1.8 से लेकर 2 के बीच में जनरली वैरी करता है, लेकिन जो रेंज होती है, रेंज बाउंड होता है, 1.4 से लेकर 2 के बीच में रेंज बाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है सर, सबसे ज्यादा रनअवे स्पीड यही की होती है सर, लगभग 3 न्यूटन के आसपास रनअवे स्पीड होती है, और इफिशियंसी भी सबसे ज्यादा इसी की होती है, 90% इफिशियंसी आपके पास जो है वो इसी टर्बाइन की होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अभी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखने के बाद हम लोग बाकी स्लाइड पर हम लोग क्या करेंगे, मूव कर लेंगे। ठीक है, बाकी स्लाइड पर क्या करेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस को देखने के बाद बेटा क्या कर लेंगे, मूव कर लेंगे। ठीक है, चलिए।
मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं कि आपको लगे कि आप जो है वो इरेलेवेंस ही नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, इरेलेवेंस जो है वो नहीं पढ़ रहे हो। कल आप लोगों की डीआरडीओ की मैराथन है और आप लोगों के लिए आपका अपना परिवार एग्जामपुर जो है वो लेकर आया है फाउंडेशन डे के उपलक्ष में 75% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑनगोइंग कोर्सेज, जितने भी आपके कोर्सेज चल रहे हैं अभी सभी पर जो है वो 75% का डिस्काउंट है, ठीक है। कौन कौन से कोर्स अभी ऑनगोइंग है, लाइव चलते हैं, तो लाइव में कौन कौन से बैच चल रहे हैं, UPR1 TG2 SSCJEE इलेक्ट्रिकल, SSCJEE मैकेनिकल और SSCJEE सिविल, ये आपके पास चार कोर्सेज अभी लाइव है, ठीक है। तो ये इन सभी कोर्सेज पर 75% का डिस्काउंट है, किस कोड के साथ, किस कोड की हेल्प से, तो बेटा कोड यहाँ पर क्या है, गिफ्ट 75 आपके पास क्या है बेटा, कोड है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा गिफ्ट 75 क्या है बेटा, यहाँ पर कोड है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये इस जो है अवेल कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो आपको बैच SSCJEE का आपको कितने का मिल जाएगा, जो भी साथी हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मात्र 499 रुपए का मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करते हो गिफ्ट 75 यूज करोगे, मात्र 499 रुपए में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। 75% डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट जो है वो मात्र 2 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। तो जो भी साथी परचेज करना चाहते हैं, जो भी साथी पढ़ना चाहते हैं, पहले किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, नहीं परचेज कर पाए, तो इसमें आपके पास जो मिलेगा आपको कंप्लीट नॉन टेक्निकल और टेक्निकल मिलेगा। ये सिर्फ आपके पास क्या, ये मत सोचना कि सर आप लोग जो है इतना कम फीस कर दिए तो क्वालिटी से आपके पास क्या आएगा, क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाएगा, बेटा क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये आपको फाउंडेशन डे, ठीक है, तुम लोग देखोगे बीच परसों जो है फाउंडेशन डे है, 4 साल पूरे हो रहे हैं आप एग्जामपुर परिवार को, तो क्या है उसके उपलक्ष में, क्या है उसके उपलक्ष में, ये आपके लिए ऑफर है, क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोगों के लिए ये ऑफर है। कहां पर क्लासेस चलेंगी, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर चलेंगी, ऑफिशियल ऐप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दिया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर वहां से डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, एग्जामपुर को सर्च करते हैं, एग्जामपुर को सर्च करने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं, ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, रजिस्टर का या लॉगिन का, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करिएगा, अगर नहीं है तो रजिस्टर करके आप ये डेटा फिल करिएगा और रजिस्टर हो जाइएगा, ठीक है, हो जाइएगा रजिस्टर। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर क्या है, कुछ इस तरीके से है, द फंक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक टर्बाइन इज टू कन्वर्ट अ वाटर इनटू, आपके पास वाटर एनर्जी से आपके पास हाइड्रोलिक टर्बाइन जो है वो क्या बदलती है, क्या करती है, क्या बदलती है बेटा, जल्दी से क्या करना है आप लोगों को, आंसर जो है इस क्वेश्चन का करना है कि हाइड्रोलिक टर्बाइन का काम जो है बेटा क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन, जल्दी से क्या कर दो बता दो, ठीक है, जल्दी से क्या कर दो मेरे दोस्त बता दो, ठीक है, अभी तुमको बताया कि हाइड्रोलिक टर्बाइन HT का क्या काम होता है बेटा, HT का काम जो होता है आपके पास क्या होता है सर, ये फ्लूइड की एनर्जी या फिर वाटर की एनर्जी को यूज करती हो, वाटर की एनर्जी को क्या करते हो बेटा, यूज करते हो और किसमें बदल देते हो, वाटर की एनर्जी से लेकर तुम कहां पर पहुंच जाते हो सर, ये पहुंच जाते हो तुम मैकेनिकल एनर्जी पर, ये कहां पर पहुंच जाते हो बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में पहुंच जाते हो, मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो जाते हो, पहुंच जाते हो, तो आपके पास क्या है वाटर एनर्जी टू आपके पास क्या सर, मैकेनिकल एनर्जी, वाटर एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी आपके पास क्या सर, हाइड्रोलिक टर्बाइन का काम होता है। ऑप्शन सी पर क्या है सर जी, ताला लगा लो, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कापलान टर्बाइन, ठीक है, कापलान टर्बाइन के रिस्पेक्ट में आपके पास कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, इट इज रिएक्शन टर्बाइन, इट इज अ मिक्स फ्लो टर्बाइन, एडजस्टेबल ब्लेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन करेक्ट, 1, 2, 2, 3, 1, 3 एंड 1, 2, क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है, जल्दी से क्या करना है दोस्त आप लोगों को, आंसर जो है वो करना है, आंसर क्या करिए एक बार कर लीजिए जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए भाई, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, अभी मैंने आप लोगों को बताया है आंसर आ रहा है सीपू बारिक का ए, आंसर कैसे आ रहा है मेरे दोस्त, अभी तुमको पढ़ाया है, अभी तुमको मैंने थ्योरी भी पढ़ाई है इस चीज की, कैसे आंसर आ रहा है देखो अभी दिखाते हैं तुमको, यहां से क्या है सर, रिएक्शन टर्बाइन है, बिल्कुल सही बात है सर, दोनों एनर्जीज होती हैं, मिक्स फ्लो टर्बाइन है, सर जी ये तो घनघोर गलत है, घनघोर गलत क्यों है सर, ये एक्सियल फ्लो टर्बाइन होती है, एक्सियल फ्लो टर्बाइन आपके पास क्या होती है बेटा, होती है, अरे आपके पास मिक्स फ्लो टर्बाइन नहीं होती है, मिक्स फ्लो टर्बाइन कौन सी होती है, फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस में भी कौन सी, मॉडर्न फ्रांसिस, अगर कन्वेंशनल फ्रांसिस की बात करेगा तो कौन सी हो जाएगी, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन हो जाएगी,
ठीक है। ब्लेड कैसे होते हैं? एडजस्टेबल ब्लेड होते हैं सर, एडजस्ट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार एडजस्ट कर लोगे तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सर। फिक्स ब्लेड या फिर आपके पास क्या होते हैं सर, एक जगह पर ही लगे रहने वाले ब्लेड किसमें होते हैं सर, वो आपके पास किसमें होते हैं, वो आपके होते हैं किसमें होते हैं, प्रोपेलर टर्बाइन में होते हैं, प्रोपेलर टर्बाइन में होते हैं। ब्रजेश राजपूत गलत आंसर है, ठीक है चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, फ्रांसिस टर्बाइन इज द बेस्ट सुटेड फॉर मीडियम हेड एप्लीकेशन ऑफ 24 to 180, लो हेड इंस्टॉलेशन अप टू 30, हाई हेड अबव 180, ऑल टाइप्स ऑफ इट, ऑल टाइप्स ऑफ इट। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन को, फ्रांसिस बाबा को किस लिए यूज किया जाता है, फ्रांसिस बाबा को किस लिए यूज किया जाता है। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए क्लास जो है वो डेली शाम को 6 बजे होती है, डेली शाम को 6 बजे जो है वो मेरे दोस्त क्लास आपके पास होती है, ठीक है। चलिए दोस्त यहां पर अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहा है, ऑप्शन सभी का ए आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात, कतई जबरदस्त, ठीक है कतई जबरदस्त। यहां पर आपके पास क्या, फ्रांसिस टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन दैट मींस आपके पास क्या होता है बेटा, मीडियम हेड टर्बाइन, क्या होता है बेटा, मीडियम हेड टर्बाइन आपके पास क्या होता है बेटा, होता है मीडियम हेड टर्बाइन आपके पास क्या होता है बेटा, होता है, ठीक है। मीडियम हेड टर्बाइन की अगर हम लोग सर जी बात करें तो इसमें हेड जनरली हम लोग कितना लेते हैं सर जी, हम लोग यहाँ पर जो हेड लेंगे ना वो आपके पास 30 मीटर से हम लोग लेते हैं, 30 मीटर से 250 मीटर तक हम लोग क्या करते हैं सर, चलते हैं, ठीक है। जनरली आप 60 मीटर तक लेते हो, जनरली आप 60 मीटर तक लेते हो, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, इनके ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या है सर, 24 से 180, क्योंकि इन्होंने रेंज ही ऐसी दी है। आपको क्या करना है, मीडियम हेड ध्यान रखना है, मीडियम हेड क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है आप 60 से आप जो है वो 250 तक क्या कर सकते हो सर, जा सकते हो 60 से 250 तक क्या कर सकते हो बेटा, जा सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलो चलो ये तो तुमको मैंने नहीं पढ़ाया, अभी चलो आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है अभी कॉन्सेप्ट पर आ जाओ फिर चलते हैं थोड़ी देर में, अभी कॉन्सेप्ट पर आ जाओ फिर चलते हैं थोड़ी देर में, फिर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है अभी तो फिलहाल कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। देखो भाई पेल्टन बाबा लौट आए हैं, पेल्टन बाबा जो है वो लौट आए हैं, यहाँ पर देखो पेल्टन बाबा क्या कहते हैं, पेल्टन बाबा आपसे कहते हैं कि हम जो बेस्ड हैं किस पर बेस्ड हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। पेल्टन बाबा किस पर बेस्ड हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। क्यों सर बेस्ड हैं, तुमको अगर याद हो मैंने कितनी बार तुमको बताया है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू एम इंटू ए नहीं होती है, ये नहीं होती है, अगर जो बताएगा, जो बताएगा उसको जो है उसका झुंझुना बच जाएगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डीपी बाई डीटी होती है। डीपी क्या होता है सर, एम इंटू बी होता है, मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू बी होता है सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो फोर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, अगर आप बात करोगे दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम डी बी बाई डी टी प्लस प्लस आपके पास v dm by dt, बेटा आपके पास क्या होता है, ये वैल्यू होती है, ठीक है ये वैल्यू होती है। अभी इसमें आप क्या करते हो सर, ये डिफरेंट डिफरेंट, ये टोटल वैल्यू ऑफ फोर्स होती है, इंटरव्यू में तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, ये नहीं सर f इक्वल टू कितना, सर f इक्वल टू ma, ma करोगे तो बेटा वो करेगा कि ठीक है जाओ तुम, तुम्हारा हो गया इंटरव्यू हो गया, तभी लड़के पूछते हैं सर हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं, हमसे तो फोर्स की वैल्यू पूछा आपने तो सही बताई थी, लेकिन हमारा इंटरव्यू हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, डीआरडीओ बहुत कठिन है, डीआरडीओ बहुत कठिन है, इसरो बहुत कठिन है, टीए में बहुत कठिन कठिन सवाल पूछते हैं सर, फोर्स की वैल्यू कठिन होती है, फोर्स की वैल्यू तो बेटा ये तो नवे क्लास में तुम पढ़ते हो, ये क्या है सर ये है, ठीक है ये आपके पास क्या है ये, अगर m कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट, अगर m को कांस्टेंट करोगे, अगर m कांस्टेंट करते हो तो तुमको क्या मिलता है, ma मिलता है, ठीक है। जिसका यूज जो है इतने का यूज तुम किसमें करते हो, मैकेनिक्स के अंदर करते हो। ये वाली जो टर्म है बेसिकली क्या होती है सर, ये करी जाती है इंपैक्ट ऑफ जेट, मतलब पंप और टर्बाइन, पंप और टर्बाइन के अंदर किसका यूज करते हो सर, इस वाली का यूज करते हो। क्या सर होता है, f इक्वल्स टू v dm by dt, v dm by dt, dm by dt को क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट, इसलिए देखा होगा f equals to v into m के ऊपर डॉट लगा रहता है, इस तरीके से लिखा रहता है, इस तरीके से क्या रहता है, लिखा रहता है। तुमको क्या है ये समझाने के लिए है, ये क्या है समझाने के लिए है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, नहीं तो फिर भगा दिया जाओगे इंटरव्यू में किसी भी तुम भी। चलो यहां पर बात करते हैं, यहां पर जो है बात करते हैं, यहां पर क्या है
आपके पास किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आपके पास क्या बोल रहा है, प्रेशर थ्रू आउट द टर्बाइन इज एटमॉस्फेरिक। प्रेशर कैसा होगा सर, आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड है। न्यूटन सेकंड लॉ पर आपके पास क्या होता है सर, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर आपके पास बेस्ड होता है, ठीक है। इसके लिए कुछ रनर पावर आपके पास, वही वेट डन वर्क डन पर वेट, ठीक है। स्पीड रेशियो कितना सर आपके पास, 0.4328 आप पीछे पड़ चुके। फ्लो रेशियो आपके पास क्या होता है सर, आपके पास फ्लो वेलोसिटी टू द जेट वेलोसिटी, अभी पीछे पड़ा है। जेट रेशियो आपके पास क्या होता है, डाया ऑफ व्हील टू द डाया ऑफ जेट, एम इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। डाया ऑफ व्हील मतलब जो जिस पर आपके पास वेन्स कटे हुए हैं, ब्लेड लगे हुए हैं, दैट मींस वो डाया ऑफ व्हील है। और स्मॉल डी आपके पास क्या है, डाया ऑफ जेट है, कि मतलब जेट जो है पानी निकल रहा है, तो पानी ये कितना डायमीटर से निकल रहा है, दैट मींस डी से निकल रहा है, ये 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर, किस तरीके का आपके पास है, ठीक है। नंबर ऑफ बकेट्स बेटा कितने हो सकते हैं, ये आपके पास कुछ इतने हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना। इसको ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइजंस फॉर्मूला। तो ये आपके पास क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आपके पास क्या सर, Z equals to होता है d by 2d plus 15। यहाँ पर आपके पास क्या है सर, आपके पास m by 2 plus 15 आपके पास क्या होता है बेटा, ये होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग Tijans formula। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग Tijans formula बेटा, क्या करते हैं हम लोग बोलते हैं Tijans formula, हम लोग बोलते हैं Tijans formula, क्या करते हैं बेटा इसको बोलते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना। डिस्चार्ज कितना होगा आपके पास, क्या सर डिस्चार्ज आपके पास इतना होता है, q equals to AB होता है, पाइप है, ठीक है, पाइप है, दैट मींस आपके पास क्या, पाइप ऑफ 4d² एरिया, सर्कुलर सेक्शन है। आपके पास यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी आपको पता है कि सर अगर हम लोग थ्योरेटिकल वेलोसिटी की बात करते हैं तो v = कितना आता है सर, v = √2gh आता है, √2gh आपके पास क्या होता है, होता है सर। ये कैसे होता है, अगर तुमको पता है, तुमने वर्नौली इक्वेशन पढ़ी है, दैट मींस तुमने क्या करा होगा, तुमने एक चीज देखी होगी v² / 2g आपके पास क्या सर, इसको वेलोसिटी हेड बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी हेड बोलते हैं, ठीक है, वेलोसिटी हेड हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, ठीक। तो आप क्या हो जाएगा सर, v² = √2g, ठीक, 2g आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा हेड है, दैट मींस आपके पास क्या सर, इनटू h आपके पास रहेगा, हेड का मतलब क्या होता है, हाइट के बराबर रहता है, हेड का मतलब क्या, हाइट के बराबर। तो आपके पास यहां से क्या हो जाएगा, v = √2g। ये तो क्या हो गया बेटा थ्योरेटिकल वेलोसिटी, cv ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एक्चुअल वेलोसिटी बन जाएगी। cv की वैल्यू कितनी होती है, cv की वैल्यू 0.9 के आसपास जो है, 0.98 से लेकर 0.9 के आसपास जो है वो रहती है, ठीक। अभी देखो यहां पर आपके पास जो है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ ब्रेकिंग जेट कितना हो सकता है, ब्रेकिंग जेट क्या होता है, ब्रेकिंग जेट आपके पेल्टन टरबाइन को रोकने के लिए यूज करते हैं, जिसका वो ब्रेकिंग जेट आपके पास कहलाता है। इसका डायमीटर कितना हो सकता है, 0.6 इनटू डायमीटर ऑफ जेट के ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 60% आपका हो सकता है, जो आपके पास जेट का डाया है उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर बकेट जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, मतलब w = कितने होता है भाई, w = 5 times ऑफ डायमीटर होता है। डायमीटर किसका, स्मॉल डी का क्या है सर, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है मतलब डाया ऑफ जेट, डाया ऑफ जेट मतलब जो पानी निकल रहा है ना, जो पानी निकल रहा है जो वेन्स पर टकराएगा, तो वेन्स की चौड़ाई कितनी हो सकती है, ब्लेड की चौड़ाई कितनी हो सकती है, वो इतनी ही हो सकती है, 5 times of d, ठीक है, उससे 5 गुना हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है सर, डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 होता है, क्यों सर 0 होता है, क्योंकि यहां पर बेटा क्या होता है, DOR की बात करेंगे, या फिर इसको R भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये आपका होता है चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, ठीक है, इन रनर, रनर के अंदर चेंज इन प्रेशर एनर्जी टू द टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी चेंज, ठीक है। अब भाई यहां पर आपके पास क्या बोल रहा है, प्रेशर एनर्जी, ठीक है। अब यहां पर इंपल्स टरबाइन होती है, इंपल्स टरबाइन दैट इज आपके पास, आपको पता है पेल्टन व्हील इंपल्स है, पेल्टन व्हील PWT जो है वो इंपल्स टरबाइन है। अभी अगर इंपल्स टरबाइन है, दैट मींस आपके पास बेटा क्या, R इक्वल्स टू क्या बेटा, यहां पर 0 हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि यहां पर इनलेट पर कौन सी एनर्जी होती है, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी तो सर होती ही नहीं है। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालेंगे कैसे सर, ऊपर वाली टर्म ही हमारे पास 0 हो जाएगी, तो सर हमारे पास आंसर क्या सर, 0 नहीं आएगा, 0 ही आएगा सर, 0 ही आएगा। तो यहां पर डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इस वजह से 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये रह गया आपके पास डेप्थ रह गया, ठीक है, डेप्थ या फिर थिकनेस आप समझ सकते हो, थिकनेस कितनी होगी, चौड़ाई जो है बेसिकली कितनी होगी, ये आपके पास लगभग 1 गुने से ज्यादा, ठीक है, मतलब जितना भी डायमीटर है उससे कुछ ज्यादा जो है बेसिकली आपके पास क्या हो सकती है सर, ये हो सकती है। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपके पास कितनी होती है, आपके पास एफिशिएंसी का क्या है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आप यहां पर बात करोगे ब्लेड वेलोसिटी की, मतलब ब्लेड वेलोसिटी दैट मींस आपके पास क्या सर, u = v/2, जेट वेलोसिटी बाय 2 आपके पास क्या होता है सर, ये मैक्सिमम के लिए होता है, मैक्सिमम के लिए होता है, ठीक है। मैक्सिमम की एफिशिएंसी बात करोगे, मैक्सिमम एफिशिएंसी बात करोगे 1 + cos 5/2, cos 5/2 आपके पास क्या होता है बेटा, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा छाप कर रखना दिमाग में, जो है छपाई कर लो, क्यों, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
फाई क्या है सर? फाई जो है वो ब्लेड का एग्जिट एंगल है, ठीक है। ब्लेड का जो है बेटा क्या है? एग्जिट एंगल आपके पास क्या है दोस्त? है, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग आते हैं फ्रांसिस बाबा पर। फ्रांसिस बाबा पर हम लोग क्या कर लेते हैं, आ जाते हैं, मूव कर लेते हैं फ्रांसिस बाबा पर। फ्रांसिस बाबा क्या कहते हैं? फ्रांसिस बाबा कहते हैं आपके पास कैसे हैं सर? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, ठीक है सर। इनवर्ड फ्लो है, रनर पावर डिपेंड्स अपॉन द इनलेट कंडीशन ओनली। रनर पावर जो डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो इनलेट पर डिपेंड करेगा, इनलेट की कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। क्यों सर? क्योंकि ये कैसा है सर? कैसा है सर? ये आपके पास इनवर्ड है, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। बाहर से पानी आएगा, अंदर की तरफ जाएगा और सेंटर की तरफ से होते हुए नीचे ड्राफ्ट ट्यूब लगी रहेगी, वहां से बाहर की तरफ निकल जाएगा। अभी ड्राफ्ट ट्यूब की बात आ गई, ड्राफ्ट ट्यूब बेटा किसमें होती है? सिर्फ और सिर्फ किस में होती है? रिएक्शन टर्बाइन में होती है। इंपल्स टर्बाइन में कोई ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती है, इंपल्स टर्बाइन में कोई ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होती है। तो ये चीज क्या रखना, ध्यान रखना, ये चीज आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। यहां पर बात करते हैं रनर पावर की। रनर पावर आप देख सकते हो, रनर पावर आपके पास क्या है सर? ये देखो सारे फॉर्मुले से आते हैं, ठीक है। वेलोसिटी ट्रायंगल से आएगा, बट मैं आपको यहां पर सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। तो जितना रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताते हुए चल रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको अगर देखना है तो आप स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं अपने पास, जो कि आपके आगे पढ़ाई में क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। आगे पढ़ाई में क्या आएगा, काम जो है वो आएगा, ठीक है। चलिए तो बेटा यहां पर देखो आपके पास क्या है बेटा, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी आपके पास बात करेंगे तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी बेटा क्या हो जाएगी सर? आपके पास सेम चीज रहेगी, बस फॉर्मूले यहां पर थोड़ा चेंज रहेंगे। स्पीड रेशियो आपके पास 0.6 से 0.9, फ्लो रेशियो आपके पास क्या 0.1 से 0.3, आपके पास विड्थ रेशियो आपके पास कितना रहेगा सर? आपके पास 0.1 से लेकर विड्थ रेशियो यहां पर कितना होता है, जितना भी आपके पास क्या है रनर का विड्थ है और उसकी कितनी मतलब इनलेट पर आपके पास कितनी डेप्थ, तो विड्थ रेशियो यहां पर आएगी सर 0.1 से 0.45। नंबर ऑफ ब्लेड्स कितने होते हैं सर आपके पास? 16 से 25। डिस्चार्ज आपके पास यहां पर क्या सर? डिस्चार्ज ध्यान रखना, डिस्चार्ज पूछा आता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी होती है सर? 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री ऑफ रिएक्शन कुछ ना कुछ जरूर होगी, क्योंकि ये रिएक्शन टर्बाइन है। प्रेशर एनर्जी भी होती है, काइनेटिक भी होती है, प्रेशर भी होती है, दोनों होती है। दैट मींस आपके पास रिएक्शन जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्यों सर, कैसे निकाल सकते हैं? तो आप फॉर्मूला मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, आप वहां से देख सकते हैं, वहां से निकाल सकते हैं। कापलान टर्बाइन, कापलान बाबा क्या कहते हैं? कापलान बाबा कहते हैं कि हम जो है वो एक्सियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। रनर पावर डिपेंड करेगी हमारी इनलेट कंडीशन पर, क्योंकि इनलेट कंडीशन पर क्यों सर? हमारे पास क्या है, हमारे पास जो माहौल है वो कैसा है सर? हमारे पास एक तो सबसे पहले एक्सियल माहौल मिलेगा हमारे पास एक्सियल माहौल मिलने के साथ साथ हमको क्या मिलता है सर? हम हाई स्पीड वाले हैं, ठीक है। हम हाई स्पीड वाले हैं, हम लो स्पीड पर बात नहीं करते हैं। हम जो बाइक चलाते हैं, हम जो टर्बाइन चलाते हैं, वो 1000 स्पीड पर चलाते हैं। 300 तो हमारे लिए क्या है सर? ये तो बच्चे वाली चीज है, बच्चे वाली। हम तो 1000 वाले हैं, ठीक है। तो बस वही है कापलान बाबा, ठीक है। तो कापलान बाबा क्या कहते हैं? ये देखो आप देख पा रहे होगे यहां पर एम डॉट लगा है। एम डॉट का मतलब भाई dm/dt। यहां पर vw1 देख रहे हो, vw1 का मतलब क्या होता है? विरल वेलोसिटी। विरल वेलोसिटी मतलब आपके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। डिस्चार्ज आपके पास अगेन वैसे ही आ रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, एक आउटर सर्कल बनता है, एक हब होता है, एक आपके पास क्या होता है, हब होता है। तो हब का डाय आप क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो, ठीक है। dh से भी रिप्रेजेंट करते हैं, dv से भी रिप्रेजेंट करते हैं, d0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अलग अलग मेथड है। बेसिकली माइनस क्या करते हैं? हब का डाय माइनस करते हैं, जो बेसिकली ब्लेड लगा होता है अंदर ना, जिस पर ब्लेड हम लोग फिक्स कर लेते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। स्पीड रेशियो कितना होता है? 1.4 से लेकर 2 के बीच में होता है। फ्लो रेशियो बेटा कितना होता है? 0.7 के बीच में होता है। यहां पर फ्लो जो है वो आपके पास क्या होता है सर? आपके पास सिमिलर लाइन में होगा, जिस तरीके से फ्लो होगा उसी तरीके से आपके पास क्या बाहर निकल जाएगा। बकेट आपके पास कितनी होती है सर? आपके पास 4 से 8 होती है। विड्थ रेशियो आपके पास कितना होता है सर? आपके पास 0.1 से 0.3 होता है। डिग्री ऑफ रिएक्शन यहां पर देखो आधे से लेकर 1 के बीच में होगा, मतलब आधे से लेकर 1 के बीच में होगा। फ्लिप की फ्रांसिस में 0 से 1 के बीच में हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखना। यहां पर पेरिफेरल वेलोसिटी आउटलेट पर और इनलेट पर, ये तो बेसिकली क्या है सर? ब्लेड वेलोसिटी की बात कर रहा है। पेरिफेरल वेलोसिटी u = कितना होता है सर? πdn/60 आपके पास क्या है होता है, इसको क्या कर लो, दिमाग में, जहन में, खून पसीने में क्या है, छाप लो, ठीक। खून पसीने में क्या करो, बिल्कुल छपाई जो है सर कर लो, ठीक है। कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या है सर? अगर बोले तो सर यहां पर क्या सर? स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है सर? n√hm^5/4। अब बोलोगे कि सर इसकी ये डायमेंशनलेस होती है? नहीं बेटा, ये डायमेंशनलेस नहीं होती, इसकी कुछ यूनिट होती है। डायमेंशनलेस फॉर्म अलग होती है। डायमेंशनलेस फॉर्म क्या होती है? अलग होती है। ये चीज ध्यान रखना, SSC के पेपर में आता है तो ये डायमेंशनलेस है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आएगा या गेट में आएगा तो ये डायमेंशनलेस नहीं है, क्योंकि SSC क्या करती है? कंट्रोवर्सियल क्वेश्चन देती है। तो कंट्रोवर्सियल में क्या है?
तुम फंसो नहीं, इसलिए यहां पर क्या होती है सर, डायमेंशन कितनी होती है, इतनी होती है। आपके पास अगर इसकी डायमेंशन पूछेगा m की पावर 1 बाई 2, l की पावर माइनस 1 बाई 4, t की पावर माइनस 5 बाई 2, ये आपके पास होती है। यूनिट स्पीड मतलब आपके पास क्या है सर, यूनिट स्पीड में आपके पास क्या कर दोगे सर, स्पीड को हेड से डिवाइड कर दोगे, यूनिट डिस्चार्ज में स्पीड को हेड से डिवाइड कर दोगे और उसका स्क्वायर रूट कर दोगे। यूनिट पावर में आपके पास पावर को हेड से डिवाइड कर दोगे, h की पावर 5 बाई 2। डिस्चार्ज कॉफिशियंट क्या होता है सर आपके पास, इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज कॉफिशियंट बेटा क्या होता है, सीक्यू इक्वल टू आपके पास कितना होता है सर, क्यू इक्वल टू एनडी क्यूब। तो बेसिकली आपके पास डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनडी क्यूब, डायमीटर का क्यूब। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। हेड कोफिशिएंट से अगर आप इससे देखोगे तो इससे क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर d स्क्वायर, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पावर का पूछेगा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास क्या सर, n की क्यूब, n का क्यूब और d की पावर 5, ठीक है। ये पूछता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d की पावर 5, d की पावर 2, d की पावर 3। तो इसको ध्यान रखना बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा सर, आपके पास अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक, अलग अलग चीजें क्या आती हैं बेटा, आती हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर बात करते हैं ड्राफ्ट ट्यूब, ड्राफ्ट ट्यूब का, ड्राफ्ट ट्यूब को पता है दैट मींस आपके पास छोटा एरिया ऊपर में होगा, नीचे क्या होगा उस पर बड़ा एरिया होगा। छोटा एरिया दैट मींस वेलोसिटी मैक्सिमम दैट मींस प्रेशर मिनिमम दैट मींस आपके पास क्या हो जाएगा सर, इसके अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी मिनिमम दैट मींस प्रेशर आपके पास क्या बेटा मैक्सिमम। तो आपके पास क्या करता है सर, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलने का काम कौन करता है, आपका ड्राफ्ट ट्यूब करता है। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में बदलने का काम करता है, ठीक है, याद रहेगा ना। वाटर हैमर क्या होता है, वाटर हैमर मतलब क्या होता है, जैसे पानी चला रहे हो, ठीक है, घर में पानी लगा, घर में क्या कर रहे हो, पानी चल रहा है तुम्हारा, तुमने डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज कर दिया, डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज कर दिया, अंदर क्या होगा, अंदर जो है प्रेशर जो है वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी, इन द केस ऑफ आपके जो फ्लूइड है बेसिकली क्या करेगा, वॉल से टकराएगा, वॉल से टकरा के वापस आएगा, दैट मींस आपके पास क्या होगा, ठीक है, वॉल के ऑपरेशन की वजह से, पावर फेलियर की वजह से हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, आपके पास पंप की वजह से ऐसा हो और आपके पास क्या हो, रप्चर आ गया हो, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया हो पाइपलाइन में, दैट्स आपको ऐसा करना पड़े। तो ये फिजिबल चीज है, ठीक। यहां पर बेसिकली क्या होगी सर, वेलोसिटी जनरेट हो जाता है, वेलोसिटी चेंज आपके पास जनरेट हो जाता है। जब वेलोसिटी जनरेट होती है दैट मींस आपके पास क्या होती है सर, आपके पास प्रॉब्लम आती है, और वाटर हैमर की प्रॉब्लम से बचने के लिए मतलब आपके पास क्या होती है, हैमरिंग फोर्स लगने लगता है, वाटर जो है एक तरीके का प्रेशर जब डेवलप हो जाएगा, प्रेशर डेवलप लगेगा, आपके पास वेलोसिटी खत्म हो जाएगी, प्रेशर ही आपके पास बढ़ता जाएगा वहां पर। तो बेसिकली वो क्या करेगा, वो वाटर हैमरिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वाटर हैमरिंग की प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी दैट मींस आपके पास वहां पर क्या होता है, वाटर हैमरिंग की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या करते हो, बचने के लिए आप जो है एक इंतजाम लगाते हो, जिसको नाम होता है सर्ज टैंक। इसका नाम क्या होता है बेटा, सर्ज टैंक होता है। तो ये क्या था, ये आपका पूरा क्रिप्स था इस चैप्टर का। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो मेरे दोस्त हम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अपन के पास इतना टाइम नहीं होता जो हम लोग सारी चीजें मेरे दोस्त पढ़े, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कल की सेशन जो रहेगी वो वर्क फ्रॉम होम रहेगी ड्यू टू द माय एग्जाम, ठीक है, क्योंकि कल मेरा ऑप्शनल का पेपर है, तो फिर मैं प्रेजेंट नहीं रहूंगा, ठीक है, मैं शाम को जो आऊंगा तो फिर मैं वर्क फ्रॉम होम ही क्लास कर लूंगा फिर। लेकिन मंडे से जो क्लास होगी वो आपकी स्टूडियो से होगी, मंडे से जो क्लास होगी मेरे दोस्त वो आपकी स्टूडियो से ही होगी, कल जो क्लास रहेगी वो आपकी घर से रहेगी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द विड्थ ऑफ द बकेट टू द डायमीटर ऑफ जेट क्या हो जाएगा सर, विड्थ ऑफ द बकेट टू द डायमीटर ऑफ जेट, सही है सर, ये कितना होता है सर, 5 डिवाइड डी होता है, बिल्कुल काट दो, दैट मींस आपके पास सर सिंपल सा हलवा क्वेश्चन आया, क्या है सर, हलवा क्वेश्चन आया। आप जिसको याद ही नहीं है सर बकेट विड्थ क्या होती है, विड्थ क्या होती है, वो क्या करेगा, अरे सर विड्थ क्या थी, विड्थ पढ़ाए तो थे, किसका पूछा है, पेल्टन बाबा, चलिए अब तुम्हारे लिए टास्क क्या है बेटा, ये तुम्हारा होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये बेटा दो तुम्हारे लिए क्या है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन दो है, इन दोनों के आंसर मैं आपको बताऊंगा कल शाम को, मुलाकात करते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास। कल जब मुलाकात करेंगे तो हम लोग पंप की शुरुआत करेंगे, ठीक है, पंप की शुरुआत क्या करेंगे करेंगे और पंप को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू क्लास।